देखिए जरा, लास्ट टाइम में मैंने आपको बता दिया था प्रभावी लंबाई के बारे में, आपको बताया गया था कि प्रभावी लंबाई जो होती है वो कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है ज्यामितीय लंबाई की। ऐसे ही तो बताया था मैंने लास्ट टाइम आपको, क्लियर इतनी बात। अब इससे आगे की बात को देखें, स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, इतना ही कंप्लीट हो चुका था, अब हेडिंग लगाएंगे आप नेक्स्ट। लिखो नमस्ते भैया, हेडिंग लगाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। नमस्ते भैया, चुंबकीय क्षेत्र टाइम्स आएगा भैया सर। चुंबकीय क्षेत्र, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कि अगर आपके पास कोई चुंबक है तो उस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई लोहे की वस्तु, लोहे की कोई भी छोटी मोटी वस्तु क्या करे, आकर्षण बल का अनुभव करे, वही क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र। समझ में बात है। और आज हम ये पढ़ेंगे कि चुंबक के चारों तरफ दो पोल होते हैं चुंबक में, ठीक है, चुंबक के चारों जो ये क्षेत्र बनता है ये किन के कारण बनता है, समझ में आई बात है नहीं, और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, समझ में आई बात है। एक नंबर का सवाल यहां से बन जाता है, ठीक है। अब एक बात यहां से देखेंगे आप, बाकी इसमें पीडीएफ लिख देगी बात में, ठीक है। देखो पहली बात यह है यहां पर क्या, कि अगर सजातीय ध्रुव होंगे, सजातीय ध्रुव के लिए मैंने आपको बताया कि चुंबक के ध्रुवों के बीच में बल लगेगा, और ध्रुव क्या होता है, या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा, क्लियर है। आप देखेंगे ध्यान से, जो सजातीय ध्रुव होंगे, सजातीय ध्रुव का मतलब क्या होता है, जो एक जैसे होंगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो गया, साउथ साउथ हो गया, ठीक है। इनमें क्या लगता है, याद रखना हमेशा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। समझ में आ रही बात। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर विजातीय है, विजातीय ध्रुवों के लिए कैसा बल लगेगा, आकर्षण का बल। अब इस बात को आप यहां से समझेंगे एग्जांपल से, देखो जरा पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये नॉर्थ है साउथ है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, कैसे हैं बोलो, सजाते हैं कि नहीं भाई, ये भी साउथ है और ये भी साउथ है ना, इसका मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्लियर। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, अब बोलो क्या करेंगे, अरे एक जैसे है ना दोनों, जहां एक जैसे साइन लगेंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे, ठीक है। जल्दी से इसमें स्टार्ट करो। अब यहां पर हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, अब कैसा हो गया बोलो, कैसा है, कैसा है, विजातीय है, अलग अलग साइन है, एक नॉर्थ एक साउथ है, इसका मतलब वो कैसा करेंगे बोलो, आकर्षण। जल्दी से तीन बार आएगा, जो कल नहीं आए थे वो काम देख लेना कल मैंने क्या कराया, ठीक है, और कल और परसों में जो वीडियो अपलोड होंगी वो उसी से रिलेटेड होंगी, ठीक है ना। एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ाया था मैंने कल, और उसके चार अनुप्रयोग करवाए थे, ठीक है, टोरॉइड था, समझ में बात नहीं, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला हेडिंग डालेंगे, अब देखो ये जो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जैसे हमने विद्युत में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं होती है, जो क्या बनाती है, पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेती है, बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर कोई भी आप चुंबक लेंगे तो चुंबक के चारों ओर भी क्या बनती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती है,
समझ में आया? Yes. जो क्या काम करती है, चीजों को आकर्षित करने का काम करती है, जो भी लोहे की वस्तु उनके बीच में आ जाएगी, जिसके ऊपर वो लाइट चली जाएगी, उसी को अपने पास बुला लेगी। क्लियर है? अब देखो कैसे, जैसा कि मैं बात करूं, अभी पहले यार समझ लो आप एक बात, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग, ये कोई चुंबक है, समझ में आई बात? अब देखो ये जो रेखा होती है वक्र के रूप में होती है, किसके रूप में होती है? दिख रहा सभी को? नहीं दिख रहा? देखो जैसे जैसे हम पास आएंगे पूरे कर्व बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं अब क्या हो रहे हैं, कर्व आधे आधे बनते जा रहे हैं। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है सभी को? समझ में आ रही बात है? जितना दूर जाएंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र कम बनेगा, सबसे ज्यादा कहां पर होगा? जहां पूरी पूरी लाइनें बन रही होंगी, जैसे ये आ गया है ना, और जहां पर रेखाएं बिल्कुल पास पास होती है, वो लिखूंगा मैं भी आपको, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल पास पास होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है। देखो कहां दिख रही है तुमको पास पास? एन के ऊपर दिख रही है और एक एस के ऊपर। तो यहां से एक बात फिक्स हो जाती है कि किसी चुंबक के ध्रुव पर, ये ध्रुव है ना, इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव पर चुंबकत्व जो होता है मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है। समझ में आई बात? ये क्लियर है तेरी बात? अब देखो जरा चलती कैसे है, ध्यान रखना एन से तो निकलती है बाहर की, ठीक है, और घूम करके कहां पर एंटर करेगी? बोलो साउथ। क्लियर? अब अगर हम बाहर बात करें, चुंबक के बाहर क्या है रेखाओं की दिशा बताओ, नॉर्थ टू साउथ है कि नहीं? भाई चुंबक के बाहर नॉर्थ टू साउथ है कि नहीं? अब अगर हम चुंबक के अंदर की बात करें तो देखना रेखाएं कहां से एंटर कर रही है, एस से, और कहां को निकल रही है? तो इसका मतलब क्या रेखाएं ऐसे नहीं जा रही है, बोलो जा रही है कि नहीं जा रही है? तो यानी चुंबक के बाहर की अगर हम बात करें तो चुंबक के बाहर तो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, लेकिन चुंबक के अंदर की अगर मैं बात करूं तो साउथ टू नॉर्थ। इतनी बात क्लियर? इतना स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। लिखो वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हेडिंग लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे नंबर वन पॉइंट, एक एक करके सात से आठ पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, जो इस डायग्राम से रिलेटेड होंगे सारे।
लिखेंगे जरा नंबर वन पॉइंट, लिखो नंबर वन, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, नंबर दो लिखेंगे, लिखो चुंबक के भीतर इन रेखाओं की दिशा, चुंबक के भीतर इन रेखाओं की दिशा एस यानी साउथ, एस से एन की ओर होती है, एस से एन की ओर होती है तथा चुंबक के बाहर, तथा चुंबक के बाहर एन से एस की ओर होती है, चुंबक के बाहर एन से एस की ओर होती है। नंबर थर्ड पॉइंट लिखेंगे, नंबर थर्ड लिखेंगे, चुंबक के ध्रुवों पर ये रेखाएं पास पास होती हैं, ध्रुवों पर ये रेखाएं पास पास होती हैं। नंबर चार पॉइंट लिखेंगे, लिखो जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, समझ में आ रहा है ना भैया सभी को, एक एक बात मैं डायग्राम से लिख रहा हूं सारी, जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकत्व प्रबल होता है, प्रबल यानी शक्तिशाली, वहां चुंबकत्व प्रबल होता है तथा जहां दूर दूर होती हैं, तथा जहां दूर दूर होती हैं वहां कम प्रबल होता है, वहां कम प्रबल होता है, ठीक है भैया, आया समझ में। नंबर सिक्स लिखेंगे, लिखो नंबर है जी फाइव, फाइव लिखो, हाँ फाइव लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब इसके बराबर में कैसा डायग्राम बना लेंगे आप, मान लीजिए कोई कर्व बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र का और उसके बराबर में कोई स्पर्श रेखा खींच दे, तो उसने बोला कि स्पर्श रेखा वेक्टर बी को दिखाएगा, बना दो डायग्राम जल्दी से, पॉइंट नंबर सिक्स लिखेंगे, पॉइंट नंबर सिक्स लिखेंगे, देखो दो चुंबकीय बल रेखाएं
एक दूसरे को दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। अब क्यों नहीं काटती है? देखो, मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में आपको ये बताया कि किसी भी पॉइंट पर अगर वो स्पर्श रेखा पर खींची जाए तो वो क्या दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। और ये रेखाएं भी हमने देखा सारी अलग अलग है, कोई मैच तो नहीं आ रही, किसी के ऊपर से तो नहीं होके जा रही। अब सुनो, यानी एक बिंदु पर एक दिशा, एक बिंदु पर एक दिशा, समझ रहे हो? आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? किसी पर भी दिशा निकालनी हो तो स्पर्श रेखा खींच दो, वो दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की। अब इस पॉइंट में बात बोली गई कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है, समझ में आई बात है? अब कई बार इसका रीजन पूछ लिया जाता है कि क्यों नहीं काटती है। लिखो, क्योंकि, इसी के नीचे लिख लेंगे, क्योंकि यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, क्योंकि यदि चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, दो दिशाएं प्राप्त होती हैं जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। देखना जरा, अब मैंने बोला कि एक लाइन ऐसे जा रही थी कर्व और एक कर्व इसके ऊपर से चला गया, मान लिया, चाहेंगे तो नहीं लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए बात को मैंने मान लिया कि ये कर्व आपस में कहीं ना कहीं इस तरीके से कट गए। अगर मैं कटान बिंदु की बात करूं, देखो इस बिंदु पर बात करूं तो एक दिशा है, इस पर बात करूं तो एक ही दिशा है, इस पर भी बात करूं तो एक ही दिशा है, इस पर भी एक ही दिशा है, लेकिन अगर इस कटान बिंदु पे आ जाऊं बिल्कुल इस बिंदु के ऊपर तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं दिख रही है मुझको, एक तो जा रहा है सीधा और एक जा रहा है नीचे को, जबकि हमारा नियम यह है कि एक बिंदु पर एक ही दिशा होती है, समझ में आई बात? ये रीजन है कि कभी आपस में नहीं काटेंगे। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे आप, नंबर 7 लिखो, समांतर व समान दूरी पर स्थित, समांतर व समान दूरी पर स्थित चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समान दूरी पर स्थित चुंबकीय बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, यानी अगर समांतर रेखाएं हैं इस तरीके, बना लेंगे डायग्राम जल्दी से, तो कैसा क्षेत्र बनाएंगी वे? एक समान, अगला पॉइंट देखेंगे आप, लिखो, लास्ट नंबर 8, चुंबकीय बल रेखाओं का किसी भी कोण पर, चुंबकीय बल रेखाओं का किसी भी कोण पर आगमन या निगमन हो सकता है, किसी भी कोण पर आगमन या निगमन हो सकता है। ठीक है भैया, यानी यहां पर कोई ना कोई एंगल बनेगी जब चुंबक में से निकलेगी, है ना, ये एंगल बनेगी। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गया बात? इतनी बात क्लियर है? तो 8 पॉइंट मैंने आपको बताया चुंबकीय बल रेखाओं के। अब एक अगला एडिंग लगाएंगे आप, लिखो जरा, इस तरीके की एक टेबल बना लेंगे,
एक साइड लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं और एक साइड लिखेंगे विद्युत बल रेखाएं। बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप लोग, लिखो जी। अब इनकी यहां पर तुलना करनी है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन चाहे तुलना का है चाहे अंतर का है, आपको यही टेबल बनानी है, ठीक है। सबसे पहले चुंबकीय बल रेखाओं में लिखो, नंबर वन पॉइंट लिखो, ये बंद वक्र बनाती है, ये बंद वक्र बनाती है। वैद्युत बल रेखा में आ जाओ, ये बंद वक्र नहीं बनाती है, ये बंद वक्र नहीं बनाती है। चुंबकीय बल रेखाओं में आ जाओ, नंबर दो पॉइंट लिखेंगे, ये चुंबक के तल के लंबवत हो, ये चुंबक के तल के लंबवत हो, कोमा लगाओ, ये चुंबक के तल के लंबवत हो, कोमा लगाए, आवश्यक नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है कि 90 डिग्री पर हो, ठीक है। लेकिन हमने जब वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी चैप्टर नंबर वन में, तो हमने देखी थी वैद्युत बल रेखाएं सीधी चलती है, है ना। सीधी चलने का मतलब क्या होगा, पार्टिकल के जो तल होगा उससे 90 डिग्री का कोण बनेगा। लिखो जरा आगे, वैद्युत बल रेखाओं में आ जाओ, नंबर दो लिखो, ये चालक के तल के लंबवत होती है, चालक के तल के लंबवत होती है। अगले पॉइंट पर आ जाओ, चुंबक के बल रेखाओं में नंबर तीन लिखो, यह चुंबक के भीतर S से N की ओर, यह चुंबक के भीतर S से N की ओर तथा चुंबक के बाहर N से S की ओर जाती है, तथा चुंबक के बाहर N से S की ओर जाती है। वैद्युत बल रेखाओं में आ जाओ, नंबर तीन पॉइंट, ये धनावेश से प्रारंभ होती है, ये धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है, तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। समझ में आया भैया, ये तीन तीन अंतर से तुलना की। अब एक नोट डाल देंगे आखिर में, और नोट में एक बात लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं, नोट में एक बात लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है भैया, अब एक नोट डाल लेंगे आप, एक और अगला छोटा सा नोट है, देखो नोट ये है, अगर मैं आपसे बात करूं कि गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होता है बताना जरा, क्लियर है क्या, नहीं समझ में आ रही है बात। अब इसके तीन अलग अलग पॉइंट बनेंगे अगर मैं बात करूं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, यदि थीटा बराबर जीरो डिग्री, समझ में आ रही है, थीटा बराबर जीरो डिग्री कब बनेगा बताना जरा, जब कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, ओके नहीं, ये लैंग्वेज याद रखना क्योंकि ये लैंग्वेज न्यूमेरिकल में काम आएगी, इसलिए मैं इस बात को यहां पे लिखा रहा हूं, ठीक है। जब जब कण जो है क्या होगा बोलो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा,
या समांतर भी कर सकते हो, तो क्या होगा थीटा कितना रहेगा जीरो, रखो पी क्यू बी, और साइन जीरो जब रखोगे साइन जीरो का मान क्या होता है बोलो, तो बल कितना आ जाएगा आया कि नहीं आया, अरे क्लियर है कि नहीं सारा अंदर से। इसके बाद ऐसे केस सेकंड देखें, केस सेकंड में क्या ले लेंगे आप, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि कर्ण कैसा होगा बोलो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो बोले F इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई साइन 90 की वैल्यू 1, तो BQB बन गया, और केस थर्ड क्या आएगा बोलो, ये कर्ण का वेग जीरो कर दिया, क्या कर दिया भाई कर्ण का वेग जीरो करने का मतलब चलता चलता कर्ण रुक गया, और हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कर्ण, चुंबकीय क्षेत्र में बल किसके ऊपर लगता है, जो कर्ण चलता हुआ हो, अगर पार्टिकल रुक गया तो वेग जीरो हो गया, और वेग जीरो होने से क्या होगा बोलो, F बराबर बी क्यू, V का मान जीरो हो गया, ये जीरो ने क्या कर देगा बोलो, सारा का सारा जीरो कर देगा क्या, यानी कि कर्ण कैसा होगा इस तरह अवस्था में है। जल्दी से उतारे फटाफट से लेकर तीनों पॉइंट जल्दी, अगला पॉइंट पर जाता है हमारा लॉरेंट्ज़ रूल, कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको, याद आ रहा है कुछ, पढ़ाया था ना लॉरेंट्ज़ रूल क्या होता है, क्या बताया था मैंने कि जब भी कोई गतिमान कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलेगा तो F बराबर बी क्यू साइन थीटा लगेगा, लेकिन एग्जैक्ट आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए दो नंबर में या एक नंबर में कि लॉरेंट्ज बल होता क्या है ये बताइए, तब आप वहां पर ये बात लिखिए। देखो लॉरेंट्ज बल कब लगता है, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पार्टिकल मूवमेंट करेगा या गतिमान होगा, और वहां पर याद रखना चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र, जब ये दोनों क्षेत्र एक साथ हो, और एक साथ कब होते हैं जब कोई पार्टिकल गति करता हो, और ये बात मैंने क्या बताया, जब भी कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चलेगा तो उसकी गति से क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा, और मैंने कहा है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबक और वैद्युत क्षेत्र दोनों हो, तो वहां पर पार्टिकल के ऊपर जो बल लगेगा वो क्या होगा, लॉरेंट्ज़ बल होगा। लिखो जल्दी से यार, लिखो जब किसी स्थान पर, इंपोर्टेंट पॉइंट में लिखा रहा हूं आपको, जब किसी स्थान पर वैद्युत व चुंबकीय, जब किसी स्थान पर वैद्युत व चुंबकीय दोनों क्षेत्र हो, जब किसी स्थान पर वैद्युत व चुंबकीय दोनों क्षेत्र हो, तो कण पर लगने वाला बल, तो कण पर लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है, तो कण पर लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है, पता है, इधर आ जाओ सामने देखना जरा, अगर मैं वेक्टर एफ की बात करूं तो वेक्टर एफ में दो बल हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर मैं वैद्युत बल की बात करूं तो वैद्युत बल F बराबर क्या होता है, EQ, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा Q into E। ऐसे अगर मैं चुंबकीय बल की बात करूं तो F बराबर क्या होता है बोलूं, Q V V होता है कि नहीं बताओ जरा। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, Q दोनों में कॉमन आ रहा है तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा बोलो, बी क्रॉस, और ये क्या होता है लॉरेंट्ज़ बल होता है। जल्दी से पढ़ो इसको, क्लियर है। अब लिखो, एक टेबल बना लो,
जैसे हमने पहले लिखा था चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं, अब हम बात कर रहे हैं बल के ऊपर, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके की टेबल बना लेंगे जिसमें एक साइड लिखेंगे विद्युत बल और एक साइड लिखेंगे चुंबकीय बल। लेकिन भाई अगर हम बात करें विद्युत बल की तो लिखो जरा विद्युत बल में नंबर वन पॉइंट लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित गतिमान या स्थिर, विद्युत क्षेत्र में स्थित गतिमान या स्थिर आवेशित कण पर विद्युत बल कार्य करता है, विद्युत बल कार्य करता है और चुंबकीय बल में आ जाए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय बल कार्य करता है, चलो जी नंबर दो पॉइंट लिखेंगे, विद्युत बल में आ जाए, लिखो विद्युत बल का परिमाण, F बराबर Q इंटू ई होता है, और चुंबकीय बल में आ जाए, चुंबकीय बल का परिमाण F बराबर BQV साइन थीटा होता है, नंबर थर्ड पॉइंट देखेंगे, विद्युत बल में आ जाएंगे, यह बल वेग पर निर्भर नहीं करता है, और चुंबकीय बल में आ जाए, यह बल वेग पर निर्भर करता है। क्लियर है, इतनी बातें कंप्लीट समझ में आई बातें, तो क्लियर हो गया। तो आज तक का केवल इतने टॉपिक समझ में आई बात, इसको जल्दी से एक बार रिवाइज करें, जितने भी पॉइंट मैंने आज लिखा है सारे के सारे पॉइंट रिवाइज कर दे जल्दी से एक बार, फिर से आगे का नेक्स्ट वीडियो होगा।